तो हे हेलो एवरीवन, 20 साल ईयर। तो गाइस हम एक्सप्लेन करेंगे थ्रोन ऑफ सील सीजन 3 एपिसोड 31। तो गाइस अगर आपने हमारी किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो लॉन्ग हाउचेन की टीम होती है वह हायू की पीठ पर बैठकर निराशा के दलदल में वो लोग आगे बढ़े होते हैं और तभी वो लोग एक झील के पास पहुँचते हैं और जैसे ही हायू उस झील को क्रॉस करने ही वाला होता है, झील के अंदर से एक बहुत ही स्पीड के साथ भाला सीधे हायू के पैर में आकर गिरता है, जिससे लॉन्ग हाउचेन और उसकी पूरी टीम डगमगाकर उससे गिर जाती है। लेकिन वो लोग अपने पंखों को खोलकर बच जाते हैं और वो लोग ध्यान से देखते हैं तो झील के अंदर से एक बहुत ही अजीब प्राणी बाहर आता है। इन मॉन्स्टर झील से बाहर निकलते हैं और मॉन्स्टर मछली मॉन्स्टर थे और उनके सिर पर एक सींग लगा हुआ था और वो लोग अपने हाथ में भाला लिए हुए थे, जिन्हें देखकर हाउचेन भी काफी ज्यादा शॉक था क्योंकि उसने आज तक ऐसा प्राणी कभी देखा ही नहीं था। और हायू गुस्से में दहाड़ता है और अपने पांचों सिर से इतना तेज अटैक करता है कि वो तीनों के तीनों वहीं पर मारे जाते हैं और यह देखकर लॉन्ग हाउचेन भी काफी ज्यादा शॉक था। तभी झील का पानी हिलने लगता है और झील के अंदर से बहुत सारे फिश मॉन्स्टर बाहर आते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा वो लोग संख्या में थे और उनका एक किंग भी बाहर निकलता है, जिसे देखकर हाउचेन भी काफ़ी ज़्यादा शॉक था क्योंकि उसकी पावर लेवल 10 की थी, जिसे देखकर हाउचेन का था एक लेवल 10 का मॉन्स्टर। और हाउचेन तुरंत वहां पर 11th और 12th होली गार्ड को समन कर लेता और कहता है, क्या तुम में से पता है कि ये मॉन्स्टर कैसे हैं? तभी 11th गार्ड उन मॉन्स्टर को ध्यान से देखता और कहता, मॉन्स्टर ये कैसे हो सकता है? आखिर ये निराशा का दलदल चीज क्या है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पर इतने रेयर रेयर प्राणी कैसे पाए जा सकते हैं? ये 100 स्केट मॉन्स्टर है, मैंने तो इन्हें कभी देखा नहीं था, लेकिन अपने जमाने के एंशियंट बुक्स में मैंने पढ़ा था कि ये 100 स्केट है और किताबों में मैंने ही केवल पढ़ा था। आप जितने भी 100 स्केट को देख रहे हैं ना, यहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर हैं नॉर्मल वह लेवल 8 के हैं और इनका जो स्केट किंग दिख रहा है वो लेवल 10 का है। इसके सामने तो फ्रॉस्ट बोआ किंग स्नैक भी कुछ नहीं है, 100 स्केट किंग उसे अपने हाथ से पकड़कर ही मार दे सकता है। और लॉन्ग हाउचेन यह बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा शौक में था और तभी वहां पर 12th होली गार्ड का था, मास्टर हमें यहां से जल्द निकलना होगा, हमें निराशा के दलदल में आगे नहीं बढ़ना चाहिए। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम लोग 10,000 साल पुराने हैं। तभी मैंने केवल एंशियंट बुक में ही इनका जिक्र सुना था, मैंने अपनी आंखों से कभी इन्हें देखा नहीं था, आखिर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि निराशा के दलदल में चीज क्या है। और वहां पर लॉन्ग हाउचेन कहता है, ठीक है मैं जल्द से जल्द सभी को लेकर टावर ऑफ एंटिटी में टेलीपोर्ट कर देता हूं। उसके बाद वह तुरंत हायू की तरफ देखता है। हाउचेन हायू की पावर को देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक होता है क्योंकि हायू 100 स्केट पूरी आर्मी के बीच में लड़ रहा होता है और जितने भी उस पर भाले लग रहे होते हैं उसकी घाव बहुत ही स्पीड के साथ भर जा रहे होते हैं, इतनी स्पीड तो उसने कभी देखा ही नहीं था। उसके बाद लॉन्ग हाउचेन तुरंत हायू से कहता है, जल्दी से यहाँ चलो। उसके बाद हायू उड़ते हुए सीधे लॉन्ग हाउचेन के पास आता है और लॉन्ग हाउचेन अपने सभी साथियों और हायू के साथ तुरंत टावर ऑफ इटर्निटी में टेलीपोर्ट कर जाता है और वहां पर कायर को बहुत ही अजीब फिर से महसूस होता है पर उसे कुछ कहती नहीं है। उसके बाद हाउचेन अपने सभी साथियों से कहता है कि अगर हमें निराशा के दलदल को पार करके आगे बढ़ना है तो हमें सबसे पहले इस टावर ऑफ इटर्निटी के सेकंड फ्लोर को जीतना ही होगा। अगर हम ऐसा करने में सक्षम हो जाते हैं तो इस टावर ऑफ इटर्निटी के सेकंड फ्लोर का इनाम हमें बहुत ही बड़ा होगा, शायद हमें 2 और होली गार्ड मिल जाएं और हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी भी बढ़ जाए, जिससे हम इतना सक्षम तो हो जाएंगे कि इन 100 स्केट का सामना कर सके। उसके बाद वहाँ पर लॉन्ग हाउचेन की टीम लॉन्ग हाउचेन की बात मान जाती है और वो लोग कहते हैं, ठीक है। उसके लॉन्ग हाउचेन कहता है, इस समय मैं लेवल 7 के स्टेज 6 पर हूँ और तुम लोग भी कम पावरफुल नहीं हो। उसके बाद वो लोग मिलकर सेकंड फ्लोर पर उड़ते हुए चले जाते हैं। लॉन्ग हाउचेन वहाँ पर हायू को भी समन कर लेता है, वह कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। लॉन्ग हाउचेन अपने सभी साथियों के साथ मिलकर टावर ऑफ इटर्निटी के सारे टेस्ट को जल्द से जल्द खत्म कर देना चाहता था, इसीलिए लॉन्ग हाउचेन जल्दी से जल्दी सारे टेस्ट को पास करने लगता है और वह लगभग 2 घंटे में ही सारे टेस्ट को पास कर देता है। केवल अब 2 ही टेस्ट बचे हुए थे, जिनमें से 2 होली गार्ड थे जिनका हाउचेन को सामना करना था
और तभी वहाँ पर एक हड्डियों वाला दानव प्रकट होता है और लॉन्ग हचन अपने सभी साथियों से कहता है, तुम लोग साइड हटो, अब तुम लोग काफ़ी ज़्यादा थक चुके होगे, मेरी अभी स्पिरिचुअल एनर्जी ख़त्म नहीं हुई है। और लॉन्ग हाउचेन तुरंत वहाँ पर लाइट एलिमेंटल फेरी को समन करके वह उस हड्डियों वाले दानव से लड़ने लगता है। उस हड्डियों वाले दानव और लॉन्ग हाउचेन के बीच लगभग एक घंटे तक काफ़ी आइकॉनिक लेवल की बैटल होती है। लॉन्ग हाउचेन की स्पिरिचुअल एनर्जी धीरे धीरे कम होने लगी थी और वह हड्डियों वाला दानव लॉन्ग हाउचेन पर भारी पड़ने लगता है। तभी लाइट एलिमेंटल फेरी लॉन्ग हाउचेन के मन में उससे कहती है कि आपका ब्लू रेन हिबिकस ऑफ लाइट वापस आ चुका है, मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी से वह पूरी तरह से ठीक हो चुका है। और लॉन्ग हाउचेन यह बात सुनकर उसके चेहरे पर से एक बहुत ही बड़ी मुस्कान आ जाती है और तुरंत लॉन्ग हाउचेन थोड़ा सा पीछे हटता है। उसके बाद लॉन्ग हाउचेन स्वॉर्ड ऑफ नेचर को समन करता है और दूसरे हाथ में ब्लू रेन हिबिकस ऑफ लाइट। और गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें दोनों स्वॉर्ड में सबसे ज़्यादा पावरफुल स्वॉर्ड कौन है, तो ब्लू रेन हिबिकस ऑफ लाइट स्वॉर्ड ऑफ नेचर से भी ज़्यादा पावरफुल। उसके बाद जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो ब्लू रेन हिबिकस ऑफ लाइट और स्वॉर्ड ऑफ नेचर से दोनों से एक बहुत ही खतरनाक टेक्निक परफॉर्म करता है जिसका नाम होता है स्वॉर्ड ऑफ हॉट, स्वॉर्ड ऑफ इंटेंट और एम ऑफ स्वॉर्ड। नो टेक्निक को मिलाकर लॉन्ग हाउचेन उस हड्डियों वाले दानों पर अटैक करता है और लॉन्ग हाउचेन का अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वह हड्डियों वाला दाना तुरंत टुकड़े टुकड़े हो जाता है। और वह थोड़ी देर बाद वह हड्डियों वाला दाना फिर से जुड़ता है और लॉन्ग हाउचेन के सामने झुक कर कहता है, अंत होली गार्ड आपकी सेवा में हाजिर है मास्टर, मैं आपकी पूरी भर जीवन भर रक्षा करूंगा, अगर आप पर कोई भी खतरा आता है तो सबसे पहले मुझ पर होकर गुजारना होगा। और तुरंत वह होली गार्ड एक लाइट का फ्लैश बन के लॉन्ग हाउचेन के इटर्नल मेलोडी लॉकेट में चला जाता है। उसके बाद जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो अपनी टीम के पास जाता है और कहता है, अब केवल टावर ऑफ इटर्नी पर एक ही टेस्ट बाकी है, उसे पास कर हम जल्द से जल्द टावर ऑफ इटर्निटी के सेकंड फ्लोर के लास्ट टेस्ट को पास कर लेंगे। मेरे हिसाब से वह नाइन तो होली गार्ड होगा जिसका हमें सामना करना है। उसके बाद लॉन्ग हाउचेन की टीम और लॉन्ग हाउचेन और हायू को हराने के लिए वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। उसके बाद लॉन्ग हाउचेन और उसकी पूरी टीम लास्ट टेस्ट के लिए पहुंचती है। वो लोग देखते हैं कि एक हड्डी वाला दानव आराम से बैठा होता है और उसका कलर ग्रीन होता है और लॉन्ग हाउचेन की पूरी टीम उस पर अटैक कर देती है, लेकिन वो ग्रीन दानव जैसे उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता और उनके सामने ये लोग कीड़े हों। उसके बाद लॉन्ग हाउचेन और उसकी पूरी टीम को अपनी तरफ अटैक करता हुआ देखकर वह ग्रीन दानव अपना एक हाथ हवा में उठाता है और तुरंत एक टेक्निक को परफॉर्म करता है और इस टेक्निक को देखकर लॉन्ग हाउचेन पहचान जाता और कहता है, मिस्टीरियस ग्रेविटी पावर टेक्निक, पर ये कैसे हो सकता है, ये तो 10,000 साल पहले यह टेक्निक विलुप्त हो चुकी है। और तुरंत वहाँ पर इतनी तेज ग्रेविटी बढ़ जाती है कि सारे लोग जमीन पर आकर गिर जाते हैं, वहाँ पर कोई भी उड़ने में सक्षम ही नहीं था, बस कायर पर वो उस टेक्निक का असर नहीं हो रहा था और लॉन्ग हाउचेन इस टेक्निक के दबाव में फर्स्ट फ्लोर पर आकर गिरा था। उसके बाद वो लोग फिर से उड़ते हुए उस पर अटैक करने के लिए जाते हैं और फिर से वो मास्टर यही टेक्निक परफॉर्म करके उन लोग को फिर से फर्स्ट फ्लोर पर लाकर पटक देता है और लॉन्ग हाउचेन और उसकी पूरी टीम उस मास्टर तक पहुँच ही नहीं पा रहे होते हैं, पर कायर पर इस टेक्निक का असर नहीं हो रहा था। तभी कायर की बॉडी में अजीब सा सेंसेशन होने लगता है और कायर बहुत ही स्पीड के साथ उड़ते हुए उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ने लगती है और तुरंत पलक झपकते ही वो मॉन्स्टर के पास पहुंच जाती है और अपना सेंट नाइफ का खंजर, और गाइस यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि सेंट नाइफ का खंजर द गॉड ऑफ डेथ का खंजर में बदल चुका है। जो कायर थी वह जब उसकी हेवनली बॉडी एक्टिवेट हुई और जब वह द गॉड ऑफ डेथ की उत्तराधिकारी बनी, तब जो कायर है उसका सेंट नाइफ का खंजर द गॉड ऑफ डेथ का खंजर में बदल चुका है और उसका पावर बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है, सेंट नाइफ से कई गुना ज़्यादा। और कायर तुरंत द गॉड ऑफ डेथ का खंजर उठाती है और पलक झपकते ही वह उस मॉन्स्टर के करीब पहुंच जाती है। लॉन्ग हाउचेन कायर को उस मॉन्स्टर पर अटैक करता हुआ देखकर कहता है, क्या कायर की याददाश्त वापस आ चुकी है, क्या वह सच में उसकी याददाश्त वापस आ चुकी है। और लॉन्ग हाउचेन की टीम भी काफ़ी ज़्यादा शॉक थी। उसके बाद वहां पर जो कायर होती है अपने खंजर से उस मॉन्स्टर पर अटैक करती है और वो जो मॉन्स्टर होता है वो कायर को अपने इतना पास आता हुआ देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। और तभी वह एक टेक्निक परफॉर्म करके वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा दीवार खड़ा कर देता है, लेकिन कायर के अटैक से वह दीवार एक ही अटैक में चुकनी चुकनी हो जाती है और वो मॉन्स्टर पीछे जाकर गिरता है। उसके बाद जो मॉन्स्टर होता है वो कायर पर अटैक करता है और कायर भी अपने द डेथ ऑफ
खंजर से अटैक करती है और इन दोनों का अटैक इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और जैसे वहाँ पर धुआं हटता है, लॉन्ग हाउचेन देखता है कि वह हड्डियों वाला दानव टुकड़े टुकड़े हो चुका था और कायर सेम वहीं पर खड़ी थी। तो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के लिए मेरे सेकंड चैनल पर एक मैंने न्यू एनिमी अपलोड किया है, अगर उस पर 1K व्यूज चले जाते हैं तो मैं आज 2 एपिसोड पक्का अपलोड कर दूंगा, तो उसे चेकआउट करना ना भूले। तो लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, तो उसे वहां पर जाकर चेकआउट जरूर करें। तो थैंक यू, बाय बाय, जल्दी।